हेलो एवरीवन, दिस इज स्मित भाटिया फ्रॉम लैंडमार्क इमिग्रेशन। एंड आपको जैसे मैंने कहा था कि हम एक सीरीज करेंगे फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स के लिए एंड नॉन मेडिकल मेडिकल प्रोग्राम वाइज कि वो आगे पढ़ के क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इन दिसंबर। सो दिस इज दिसंबर, इट्स हाई टाइम। जो 12th के बच्चे पेपर देने वाले हैं अभी मार्च में, दे शुड डिसाइड वॉट दे वॉन्ट टू डू इन फर्दर। एंड कुछ बच्चों ने तो IELTS भी कर ली है 12th में ही। So some students who want to go to good universities like Waterloo, Wilfrid Laurier University, University of British Columbia, University of Toronto, they have already proceeded with their applications right now also. So students, अगर आप अभी 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं, कौन सा प्रोग्राम लें वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वीज़ा, आपके वीज़ा सक्सेस रेट पे। एंड कौन सी सिटी लें, कौन सा कॉलेज लें, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आज के प्रोग्राम में हम आर्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स कौन से प्रोग्राम्स कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें या फिर हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9041390412 पे, विजिट कर सकते हैं हमारे नियरेस्ट ऑफिस विच आर लोकेटेड इन चंडीगढ़, जींद, मोहाली, मोगा, बठिंडा, अमृतसर, लुधियाना। You can visit our nearest office, Vadodara, Jammu, you know, and get your counseling there. If you have any doubt, you can get it cleared. We are not charging any processing fees right now because it is, you know, we want to give you know, services which will benefit for your future. आपका career बनाने के लिए हम services देना चाहते हैं। बहुत सारे students मेरे पास visit करते हैं जिनके multiple refusals होते हैं और उनको वीज़ाज लैंडमार्क से मिलता है। एंड सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब उन बच्चों को वीज़ा मिलता है। मेरे पास 8 bands वाले स्टूडेंट, 7.5 bands वाले स्टूडेंट, बहुत सारे वीज़ाज इस टाइम आए हैं। बहुत डिफ़िकल्ट केसेस हमने हैंडल किए हैं फॉर जनवरी इनटेक। एंड व्हेन दे गेट देयर वीज़ा, इट्स द बिगेस्ट मोमेंट फॉर अस। आई नो इट्स द बिगेस्ट मोमेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, बट इट्स वेरी बिग मोमेंट फॉर अस बिकॉज हमने उनका जो ड्रीम था वो शैटर होते होते बचा लिया। सो दैट्स गिव अस यू नो बिगेस्ट हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्ट्स के स्टूडेंट्स कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं। पर इससे पहले मैं बताऊं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब देखता है तो वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को कहता है कि हम शायद वीज़ा नहीं देंगे, बट कनाडा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए देयर आर मोर देन 50 courses दे कैन डू। सेकेंडली, आर्ट्स वाले स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर हॉस्पिटैलिटी का प्रोग्राम लेते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से ऊपर उनको कुछ दिखता ही नहीं है, बिकॉज सबको लगता है कि आर्ट्स का बच्चा, इसको हॉस्पिटैलिटी दे दो। बट उसके बाद भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, हॉस्पिटैलिटी के बाद, हॉस्पिटैलिटी के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लाइक पुलिस फाउंडेशन एंड देयर इज अनदर प्रोग्राम कॉल्ड प्रोटेक्शन सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, देयर इज अनदर प्रोग्राम कॉल्ड लॉ क्लर्क, देयर इज अनदर प्रोग्राम कॉल्ड कलनरी मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी इज लाइक ए जनरल कोर्स, आप होटल वेटर, एज अ वेटर और एज अ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव आप काम कर सकते हैं रेस्टोरेंट या होटल में। बट कलनरी मैनेजमेंट, जो शेफ बनना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जर्नलिज्म का आप कोर्स कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का आप प्रोग्राम कर सकते हैं, कलरी स्किल्स का, कलरी मैनेजमेंट इज़ फॉर 2 years, कलरी स्किल्स का 1 year का प्रोग्राम कर सकते हैं, बेकिंग पेस्ट्री मैनेजमेंट का आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ब्रू मास्टर का आप प्रोग्राम कर सकते हैं, विटीकल्चर का आप प्रोग्राम कर सकते हैं, लैंडस्केप टेक्नीशियन का आप प्रोग्राम कर सकते हैं। सो द लिस्ट इज़ रियली रियली लॉन्ग फॉर आर्ट स्टूडेंट्स जो आगे 12th के बाद कुछ प्रोग्राम्स करना चाहते हैं। अगर आप बैचलर करना चाहते हैं तो बैचलर, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है तो बैचलर इन पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो, साइकोलॉजी रखी है तो बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर सकते हो, अगर आपने सोशियोलॉजी रखी है तो बैचलर्स इन कम्युनिटी डेवलपमेंट या सोशियोलॉजी कर सकते हो। एंड दीज बैचलर्स, फैंटास्टिक थिंग इज दिस, दीज बैचलर्स आर अवेलेबल फॉर 3 years ऑल्सो इन अल्गोमा यूनिवर्सिटी इन ब्रैम्पटन, एंड few of the programs are available in Brampton and in Sault Ste. Marie. There are 40 specializations. So students, office administration का program आप करने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप animation करना चाहते हैं, अगर आपका interest है, आपके पास portfolio है, तो आप animation का program करने जा सकते हैं, broadcasting का program आप कर सकते हैं, because that's also very very good प्रोग्राम। एंड अगर बात करें तो सोशल सर्विस वर्कर डिप्लोमा का प्रोग्राम कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रोग्राम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आर्ट्स वाले बच्चों के पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कनाडा स्टडी वीज़ा करने जाना चाहते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें, आपकी कोई भी क्वेरी है वो हम रिजॉल्व करेंगे, और आपको कोई भी कंसर्न है, आपका रिफ्यूज़ हो चुका है, आपका केस थोड़ा डिफिकल्ट है, यू नो यू डू नॉट पैनिक, कोई भी अपने दिमाग में डाउट मत रखें, हमारे नियरेस्ट ऑफिस विजिट करें, कॉल करें 90413-90412 पे। आप डेली टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, वीज़ा हैंडओवर्स देख सकते हैं जो लैंडमार्क इमिग्रेशन डेली बेसिस पे कर रही है। सो थैंक यू सो मच जो लोग हमें क्या कहते हैं रेफरेंसेस देते हैं, जो लोग लैंडमार्क इमिग्रेशन विजिट करते हैं, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर देम। ऐसे ही अपना ट्रस्ट बनाए रखें ताकि हम 15 साल के बजाय 50 साल तक आपको सर्विसेज देते रहें। थैंक यू सो मच।